उत्तरकाशी मध्ये बोगद्याचं खोदकाम जवळपास पूर्ण झालंय आणि पुढच्या कोणत्याही क्षणी या बोगद्यामध्ये गेल्या 17 दिवसांपासून अडकलेले 41 कामगार बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झालाय। या बोगद्याच्या बाहेर सध्या रुग्णवाहिकांचा एक मोठा ताफा सज्ज ठेवण्यात आलेला आहे, कारण 17 दिवसांपासून हे सगळे कामगार आतमध्ये आहेत। ज्या तापमानामध्ये हे कामगार होते, ज्या प्रकारचा प्रकाश त्यांच्यापर्यंत पोहोचत होता ते पाहता त्यांना लगेचच बाहेर आणणं हे कदाचित त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही, त्यामुळे या सगळ्या शक्यतांचा विचार करून या सगळ्या कामगारांसाठी सध्या रुग्णवाहिका सज्ज ठेवण्यात आलेल्या आहेत। 41 कामगार गेल्या 17 दिवसांपासून या बोगद्यामध्ये अडकून पडले होते। दिवाळीच्या दिवशी सकाळी या बोगद्याचं काम सुरू असताना अचानकपणे मातीचा एक मोठा ढिगारा खाली आला आणि हे 41 कामगार बोगद्यामध्येच अडकले। जवळपास 60 मीटरचा असलेला हा ढिगारा पार करून या कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते। अखेर आज 17 दिवसांनंतर या प्रयत्नांना यश येताना दिसते। पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो इस वक्त टनल के अंदर मौजूद है और जैसी जानकारी मिली है वो उन लोगों से बात करेंगे जो अंदर फंसे हुए थे। एक तस्वीर दिखाइए, देखिए एनडीआरएफ के जवान अपने साथ में रस्सी लेकर के अंदर जा रहे हैं, मोटा रस्सा लेकर के अंदर जा रहे हैं और जैसी कि जानकारी मिली है कि जो स्ट्रेचर अंदर भेजा जाएगा जो रेस्क्यू टनल के माध्यम से, उस टनल के माध्यम से इसी रस्से से उस स्ट्रेचर को बाहर खींचा जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी वो आपको समझा देता हूँ। उसकी प्रक्रिया ये होगी कि एनडीआरएफ के जवान जब अंदर जाएंगे तो अपने साथ में जो उनके स्ट्रेचर्स हैं उसको लेकर के जाएंगे और जब वो नीचे वहां पर उतरेंगे उस साइड में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, स्ट्रेचर्स पर पहले वो मजदूरों का हालचाल देखेंगे और जो मेरी जानकारी है उनके साथ में एक दो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग होंगे जो तमाम मजदूरों का हालचाल देखेंगे और जरूरत के हिसाब से एक एक मजदूर को उस स्ट्रेचर पर लेटाएंगे। दूसरी तरफ से वो स्ट्रेचर एक रस्सी से बंधा होगा, जो रस्सी अभी लेकर के गए हैं एनडीआरएफ के जवान। जैसे ही उनको जो है सिग्नल मिलेगा दूसरी तरफ से वो उस रस्सी को खींचेंगे और लेटे हुए मजदूर स्ट्रेचर पर जो लेटे हुए मजदूर हैं वो दूसरे जो है कॉर्नर पर आ जाएंगे जहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम जो अंदर मौजूद है वो अपने साथ में वहां पर उन्होंने टेम्परेरी एक तरह से अस्पताल सा बना दिया है, बेड्स हैं, उसके अलावा जो उनका ऑक्सीजन चेक करने का मीटर है, उसके अलावा पल्स रेट, उसके अलावा हार्ट बीट, तमाम चीजें जो चेक की जाएंगी वहां पर जो है साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, वहां पर जो उनसे जो बातचीत करेंगे मनोचिकित्सक और जब देखेंगे कि हाँ ये ठीक है इनको यहां से निकाला जा सकता है, उसके बाद जो एम्बुलेंस अंदर भेजी गई है उससे उनको बाहर निकाला जाएगा। तो एक एक करके कुछ इस तरीके से मजदूर निकलेंगे और वक्त कितना लगेगा, वक्त लगेगा एक मजदूर को निकालने में करीबन 2 से 3 मिनट के बीच का। इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 41 मजदूर हैं, 41 मजदूरों को निकलने में करीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच का वक्त लग सकता है, समझा जा सकता है। और ऐसे में आप इन परिवार वालों का सोचिए, वो परिवार वाले जो पिछले 17 दिनों से यहाँ पर ठंड के माहौल में, भले उनके पास कपड़े नहीं थे लेकिन वो यहाँ पर थे, क्यों? क्योंकि उनके अपने की जान फंसी हुई थी इस टनल के अंदर। हालांकि कुछ दिनों बाद से वो उनसे बात भी कर पा रहे थे लेकिन फिर भी बात करने से क्या होता है, जब तक बाहर सुरक्षित नहीं आ जाते तब तक वो कैसे चले जाते। और आज उन सबके चेहरों पर एक सुकून है, यकीन मानिए वो सुकून जो पिछले 17 दिनों से गायब था, परेशान थे, अलग अलग तरह की आशंकाएं थी लेकिन वो आशंकाएं दूर हो गई हैं। उसके अलावा एक और तस्वीर जो कुछ देर पहले हमने देखी जनरल वीके सिंह की, जनरल वीके सिंह जब यहां से निकले हैं तो उनके चेहरे पर भी जो सुकून था, जो भाव था, वो बता रहा था कि एक बड़ा मंजिल, एक बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरा करना था वो पूरा हो गया है। अपने साथियों के कंधे पर हाथ रखे उसको थपथपाते हुए वो यहां से गए हैं। तो जनरल वीके सिंह जो पिछले जो है 4-5 दिनों से लगातार यहां पर डटे हुए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन जब वो रेस्क्यू टनल पूरी हो गई है फिर वो यहां से चले गए हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो लगातार पिछले जो है हफ्ते भर से ऑलमोस्ट यहां पर कैंप कर रहे थे, देखिए मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन मातली में उन्होंने अपना एक कैंप ऑफिस बना लिया था कि यहां से लगातार सारी जानकारी लेंगे, जब भी जरूरत होगी यहां पर पहुंचेंगे, टनल साइड पर पहुंचेंगे। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी नहीं, आप प्रधानमंत्री का सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अभी राजस्थान का चुनाव है, तेलंगाना का चुनाव है, जो चुनाव राजस्थान का हुआ है, तेलंगाना में वो अभी भी मतदान होना है, उसके बाद में काउंटिंग होनी है, इस चुनाव के बीच में भी लगातार पुष्कर सिंह धामी से संपर्क कर रहे थे। पिछले 17 दिनों में 8 से 9 बार मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और वो तो तब
जबकि खुद पीएमओ कार्यालय की जो पीएमओ की जो टीम है वो यहां पर मौजूद थी। और इसी वजह से देखिए इस वक्त जो बाहर का जो सन्नाटा है ना वो बहुत कुछ बयां कर रहा है, ज्यादा कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन जितनी भी बात कर रहा है क्योंकि सबको पता है एक मुश्किल टास्क, एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज पूरा किया गया है। बाबा बौकनाथ का जो मंदिर वहां पर स्थापित किया गया है, वहां जो पुजारी थे वो भी अब एक तरह से बाबा बौकनाथ की तरफ जो है वहां पर पीट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पीछे शायद एक आरती जल रही है। संजीव अगर आप दिखा पाए, हम दूर से जितना समझ पा रहे हैं वहां पर एक आरती जल रही है, और वो जो लौ है वो एक उम्मीद की लौ थी, एक उम्मीद का दिया था जो पिछले 17 दिनों से लगातार यहाँ पर जो है कोशिश की गई थी जब से मंदिर स्थापित किया जाए उसके बाद से जलाया जाए, और आज वो उम्मीदें पूरी हुई हैं। और इसी वजह से जो पुजारी लगातार पूजा अर्चना कर रहे थे कुछ देर पहले तक, वो भी अब इंतजार कर रहे हैं उन जो है 41 मजदूरों के बाहर आने का। वो लोग जो ऊपर पिछले जो है हम जो है हफ्ते भर से देख रहे हैं वहां पर पूजा कर रहे थे, लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे, दिन में जो एक दो बार वहां पर जाते थे, हवन करते थे, वो भी अब बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता है ईश्वर ने उन्होंने जिस जो मन्नत के साथ में, जिस जो है एक तरीके से मांग के साथ में उन्होंने ईश्वर का पूजा अर्चना की, हवन किया, वो मांग स्वीकार हो गई है। और इसी वजह से इतना ही नहीं, एक तस्वीर वो भी दिखा दीजिए संजीव, कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो कतार लगा करके पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। सबको पता है कि अब वो मजदूर निकलने वाले हैं, लिहाजा वो अपनी जो है वहां पर बैठ गए, क्योंकि उनको पता है कि उनका गांव यहां से ऊंचाई पर है, वहां से कुछ नहीं दिखेगा, लिहाजा वो नीचे आकर के चुपचाप बैठे हुए हैं उस क्षण के इंतजार में जब ये तमाम मजदूर बाहर निकलेंगे। एक और तस्वीर दिखाइए संजीव, किस तरह से वो डॉक्टर्स जो पिछले 17 दिनों से यहाँ पर हैं, जब हमने उनसे बात की थी उनका ये कहना था कि हम लोगों को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रखा गया है, लगातार इनके जो शिफ्ट बना दी गई थी कि जो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना कि कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि घटना के कुछ घंटों के अंदर ही निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं एनडीआरएफ के जवानों की, एनडीआरएफ के वो जवान जो आपको जो थोड़ा सा आगे एम्बुलेंस के पास भी नजर आएंगे और पीछे खड़े हुए भी नजर आएंगे जहां पर उनका जो है कैंप बनाया गया था, वहां पर एनडीआरएफ के जवान पिछले 17 दिनों से रोजाना आते थे, अपनी जो है एक तरीके से मैसेज का इंतजार करते थे कि कब उनसे बोला जाएगा कि आप जाइए अंदर से लोगों को बचा के लाइए। तो एनडीआरएफ के जवान भी लगातार बीच बीच में मॉक ड्रिल भी कर रहे थे। एक तस्वीर और दिखाता हूं, यहां उत्तराखंड जो पुलिस के जो जवान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी ये सुनिश्चित करें कि टनल के आसपास ज्यादा व्यवधान ना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यवधान ना पड़े, वो जवान भी अब शांत हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस मकसद से उनको यहां लगाया गया था पिछले 17 दिनों से वो काम पूरा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं सेना के जवानों की, सेना के जवान यहां पर मौजूद हैं, तो सेना के जवान जो यहां पर मौजूद हैं इनको जिम्मेदारी दी गई थी, इन्होंने भी अपना काम जो है पूरी तरीके से निभाया है। तो ये देखिए ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। अब जहां पर नजर टिकी हुई है वो अस्पताल जहां पर इन मजदूरों को निकाल के ले जाया जाएगा, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक रावत कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं, उसकी वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। हालांकि ये तैयारियां अभी नहीं की गई हैं, एक हफ्ते पहले से की गई थी, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने अस्पताल के अंदर पहुंच करके आप वो सारी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी हमने जो है वो दिखाई थी, लेकिन क्योंकि अब जो है फोकस शिफ्ट होगा यहां से जैसे ही जो है ये तमाम मजदूर निकलेंगे ले जाए जाएंगे उस अस्पताल में जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत रास्ते में है, अगले कुछ मिनटों में वहां पर पहुंचेंगे। दीपक, जैसे ही मजदूर यहां से निकलेंगे उसके बाद में उनको अस्पताल तक पहुंचने में लगभग कितना वक्त लगेगा, और जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है आपको तो ज्यादा वक्त लग रहा होगा लेकिन मजदूर तो उसके आधे टाइम में पहुंच जाएंगे। और निश्चित तौर पर लगातार
17 दिवसांनंतर हे सगळे कामगार बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा होतोय. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हे गेल्या अनेक दिवसांपासून या संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत, तेही तिथे पोहोचलेत. केंद्रीय मंत्री वी के सिंग हे सुद्धा गेल्या अनेक दिवसांपासून या संपूर्ण बचाव कार्यामध्ये जातीनं लक्ष घालत होते, ते सुद्धा या ठिकाणी आज सकाळपर्यंत संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करत होते. काही वेळातच हे सगळे कामगार आता बाहेर येतील अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे, कारण बोगद्याचा जो थोडासा भाग होता कामगार आणि बोगद्याच्या मधला तो मानवी हस्तक्षेप करून दूर करण्यात आलेला आहे, कारण मशीन्स तिथपर्यंत काम करत नव्हत्या, काही मशीन्स आतमध्ये तुटल्या होत्या. हे सगळे अडथळे पार करत अखेर या सगळ्या मजुरांना बाहेर काढण्याचा मार्ग आता मोकळा होतोय. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.